नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज और पेंशनर के लिए गुड न्यूज। कैबिनेट ने उनके लिए टीए डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और डियरनेस रिलीफ का रिलीज किया है, हाइक किया है, और ये 4% का हाइक होगा जो 1 जुलाई 2023 से पेएबल है, और ये 46% हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट रेट 42% और अब बढ़ के 46%, यानी कि इंक्रीज ऑफ 4%, और लगभग 48.67 लाख जो इम्प्लाइज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो हमारे पेंशनर हैं वो 67.95 लाख करीब हैं। इन सबको इस डीए रिलीफ का फायदा होगा, यानी कि 4% का इंक्रीज, ये 1 जुलाई 2023 से पेबल है। इस बारे में कैबिनेट मीटिंग के बाद जो मंत्री साहब अनुराग ठाकुर का जो एक वीडियो है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू, नमस्कार। इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का दे डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का दे डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स, उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष, यानी कि सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय होगा, वो 12,800